रविवार 7 जुलाई को भोपाल में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक आयोजित होगी। बैठक में बीजेपी के सभी मंडल अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और यहां 6 केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के सम्मान के साथ पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार होगी। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी पहली बार भोपाल में विस्तारित कार्य समिति की बैठक आयोजित करने जा रही है। बीजेपी के संगठन महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी ने बताया कि 7 जुलाई को रविंद्र भवन में विस्तारित कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी के सभी मंडल अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में मध्य प्रदेश के सभी 6 केंद्रीय मंत्री और सांसदों का सम्मान किया जाएगा। पहली बार हमने पार्टी के सभी मंडल अध्यक्षों को, हमारे 1099 मंडल हैं, सभी मंडल अध्यक्षों को इसमें आमंत्रित किया है। इस कार्य समिति की बैठक में प्रदेश की कोर समिति तो अपेक्षित है, जो हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय मोदी जी की सरकार में 6 मंत्री बने हैं, उन सभी 6 मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय एन कुरुवर जी, माननीय डी डी उलिया जी और बहन सावित्री ठाकुर जी सहित सभी सम्मानीय सांसदों का यहाँ सम्मान किया जाएगा। सभी सांसद लोकसभा और राज्यसभा के यहाँ आमंत्रित हैं। सभी सम्मानीय विधायक इस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। प्रदेश की पूरी कार्य समिति, सभी हमारे जो महापौर हैं, मध्य प्रदेश में 13 महापौर भारतीय जनता पार्टी के हैं, 16 में से 13 के 13 महापौर रहने वाले हैं। सभी जिलों के सम्मानीय अध्यक्ष, हमारे संगठन के 60 जिले हैं, सभी जिलाध्यक्ष, जिले के प्रभारी, जिलों के महामंत्री, मोर्चों के प्रदेश के पदाधिकारी, प्रकोष्ठों के संयोजक, विभाग के संयोजक, जिला पंचायत के हमारे सामान्य अध्यक्ष, समस्त मंडल अध्यक्ष, जैसा मैंने पूर्व बताया, मीडिया के प्रभारी, सह प्रभारी और आईटी सेल के भी हमारे प्रभारी सह प्रभारी इस बैठक में रहने वाले हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।